अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और इसके अलावा आज एक और स्कैनर मेरे पास आया है, इसको हम चेक करते हैं। ये है एप्सन का स्कैनर है DS1630। इस पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ADF में जब आप पेपर लगाते हैं तो पेपर इसका स्किप करता है या जैम हो जाता है या फंस जाता है, यहाँ पर रुक जाता है। तो इसको आप देखेंगे इस पर क्या इशू हो सकता है क्या नहीं। ये इसके रोलर जो लगे होते हैं, इसकी बैक साइड से कवर ओपन होता है। इन रोलर्स का ये बिल्कुल थिकनेस इनकी ख़त्म हो चुकी है, इन रोलर को हम रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले ये ऊपर वाला टॉप कवर हम इसको निकालेंगे। टू स्क्रूज लगे होते हैं जो हमने ऑलरेडी ये खोल लिए हैं, खोल के हम इस कवर को उतार लेंगे। उसके बाद कवर उतारने के बाद ये रोलर निकालना है। रोलर के साथ निकालने के लिए ये ऊपर ये टॉप ब्रारी जो है थोड़ा सा मूव करना है, ऊपर निकाल के निकाल लेना है। ये रोलर आ गए हमारे, इन रोलर को चेंज करना है। तो ये रोलर पहले हम चेक करता हूँ, फिर उसके बाद हम रिप्लेस करते हैं। ये रोलर हमने मंगवा लिए हैं, अभी हम इसके रोलर चेंज करते हैं। रोलर लगाने का तरीका भी आप देख लें। गाड़ी इसकी यहाँ पे लगा देंगे, ये वाली यहाँ पे आएगी, और जो जो दूसरी कट वाली होगी रोकने वाली वो इसकी यहाँ पे आ जाएगी। ये चीज़, ये छोटे रोलर्स, ये हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा डाउट होगा कि ये कहाँ पे लगेगी, इसको आप देख लें। ये जो लॉन्ग पिन है इसकी, लॉन्ग पिन को इसको ये देखें, इस पे हम प्रेस करेंगे, ये पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे, ये इसकी यहाँ पे लग जाएगी जो इसको रोलर को रोकेगा इसके साथ। इसको हम ये लगा के टॉप कवर जो है इसको हम सेट करेंगे। एक मिनट इसकी ये वाली, दूसरी ये आ जाएगी, ये लगा दिया। एक अभी हम इसको एक और चीज देख लूं,
ये लग गया। होप को देखना हो गए पहले इस गरारी को पीछे कर लें। लगा दिए ये चीज और अब स्प्रिंग इसका लगाना है यहाँ पे। इसको सिस्टम से लगा कर तो व्यूअर्स ये था इस ADF का प्रॉब्लम जो आप लोगों के साथ मैंने आज ये वीडियो शेयर की। इसके रोलर का इश्यू था, रोलर की वजह से ये था कि पेज जब ये पिक करता था तो स्किप कर देता था, ये पेज यहाँ पे स्टक हो जाता था, जिस वजह से स्कैनिंग की जो आपने कैठी मल्टीपल पेपर की कॉपी दी होती थी वो कॉपी प्रॉपर निकल नहीं पाती थी और स्कैनर एरर पे आ जाता था। तो इसका जो रेजोल्यूशन था, जो प्रॉब्लम थी, वो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही था कि ये जो छोटे मोटे फॉल्ट होते हैं कि आप लोग खुद इसको क्लियर कर सकें। तो इसके लिहाज से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल को चैनल की वीडियो को शेयर भी किया दोस्तों के साथ और मेरे वीडियो को लाइक किया और मेरे सब्सक्राइबर आप लोगों ने बढ़ाए, इसका मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ। इसके साथ ही और कोई नई वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।